अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद शुएब KPPSC वीडियो सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। बस कैंडिडेट ने कमेंट्स किया कि सर हमने टेस्ट दिया था लेकिन अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ। इसी तरह बस कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर ऐसी क्या वजूहत है कि हमारी इंटरव्यू कंडक्ट हुई थी लेकिन 2 महीने हुए हैं अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। और इसी तरह बस कैंडिडेट ऐसी भी है कि वो कहते हैं कि हमने एक फलां पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन अभी तक उस पोस्ट के टेस्ट उसके डेट मेंशन नहीं हुए, डेट अनाउंस नहीं हुए कि कब उसका टेस्ट कंडक्ट होगा उस पोस्ट का। तो आप सब के इतला के लिए अर्ज़ यही है कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में बाज़ औक़ात PMS टेस्ट की वजह से जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के टेस्ट होते हैं तो उसका सारा स्टाफ उसमें मसरूफ़ रहता है। इसी तरह हालिया टेस्ट इंटरव्यूज़ के जो रिजल्ट्स लेट है इसकी भी मेन वजह ही यही है कि जितना स्टाफ है KPPSC का वो सारा स्टाफ PMS एग्ज़ाम में बिज़ी है, तो इसी वजह से वो टेस्ट के रिज़ल्ट लेट आ रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल सोशियोलॉजी का इंटरव्यू हुआ था 26 अगस्त को, इस तरह 2 सितंबर को, लेकिन सोशियोलॉजी इंटरव्यू का रिज़ल्ट 2 महीने बाद आया। तो इसलिए आप सबको कैंडिडेट्स को चाहिए कि आप परेशान ना हो। बस कैंडिडेट कहते हैं कि हालिया हेडमास्टर के जो टेस्ट हुए थे उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा, 1 महीना हो चुका है लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो कमीशन वाले, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, उन्होंने कहा है कि विद इन 1 वीक्स और 2 वीक्स इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप इंटरव्यू के रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि अभी PMS एग्ज़ाम के बाद वो सारे रिज़ल्ट, अभी हर रोज़ाना कोई ना कोई रिज़ल्ट, इंटरव्यू का रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा है। तो ये असल में मेन वजूहत मसरूफियत होती है जो KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का अमला होता है वो मसरूफ़ रहता है, उन पर वर्क का लोड होता है। तो इसी वजह से टेस्ट के रिज़ल्ट या इंटरव्यू के रिज़ल्ट या किसी ने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और उसका टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ तो इसके पीछे जो उनकी मसरूफियत होती है, और ये ज़रूर कंडक्ट ज़रूर उसका रिज़ल्ट आता है, ऐसी और कोई बात नहीं होती बल्कि ये उनकी सिर्फ मसरूफियत रहती है। लिहाजा आप सब कैंडिडेट्स को चाहिए कि काइंडली बी पेशेंट और इसका इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट का विज़िट किया करें और उसके रिज़ल्ट सेक्शन में बाकायदा देखा करें कि ऐसा कोई रिज़ल्ट तो अपडेट नहीं हुआ। इसी तरह मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो इंटरव्यू रिलेटेड या टेस्ट की प्रिपरेशन रिलेटेड, तो काइंडली आप फ्रीली कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने इल्म के मुताबिक आपको उसका आंसर दूँ, और अगर मेरे माइंड में ना हो तो मैं अपने प्रोफेसर हजरात से मालूम करके इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा। और बराए करम हमारे इस चैनल को काइंडली आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह इस पर हम टाइम टाइम इन वीडियोस के थ्रू एक दूसरे के साथ टच रहेंगे और इसमें बाकायदा इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ पेडागॉजी का एक सीरीज़ भी शुरू करूँ जिसमें एजुकेशन रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँ।